उसको मार्केट का मोमेंटम कैसा रहा था। मार्केट मंथली एक्सपायरी पे गई, मंथली एक्सपायरी थी मार्केट की, जिसके अंदर आज मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला। उसमें बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा रोल रहा था, बैंक निफ्टी में आज 400-500 पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद एक शॉर्ट सेलिंग देखने मिली जो टॉप लेवल से 44,800 के पास से। क्यों ऐसा हुआ था मार्केट में गिरावट, कैसा रहेगा कल का ट्रेंड 25 अगस्त 2023 के लिए, कौन से शेयर को लेकर करें भाई, कैसा रहने वाला है हमारा थर्सडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी भी होती है, उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। हमारे टेलीग्राम पे आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करो, इसके अंदर हम क्या पहले अपडेट डाल देते हैं कि मार्केट का कैसा मोमेंटम है, कैसा रहने वाला है, गैप अप होगा या गैप डाउन। ये मैंने 8:53 पर बोल दिया था कि मार्केट में गैप अप होगा, क्यों होगा उसका पिछले रीजन समझा दिया था। इसमें मैं सब मंथली एक्सपायरी ऑलरेडी अपडेट करके थे, रिटेल ट्रेडर्स थे बेरिश और जो DIS थे उसकी कोई पोजीशन नहीं थे, FIIs साइडवेज थे और प्रो ट्रेडर्स की लॉन्ग थी। क्यों, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के चक्कर में मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम, सोच रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगा, ये एक हवा बना रखी थी कि मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा अपसाइड तरफ। तो वैसा ही हुआ, मार्केट में गैप खुलते ही मार्केट में एक सडनली मूव आया अपसाइड का, उसके बाद मार्केट में गिरावट आई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मेंटर पंकज रावत आपके अपने चैनल ग्रीन इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत करता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं हम 25 अगस्त 2023 के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स देखेंगे, साथ में सेंसेक्स की एक्सपायरी है उस पर भी हम कुछ डिस्कशन करेंगे। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है जो कि हमने डेली टाइम फ्रेम यूज़ कर रखा है। डेली टाइम फ्रेम भी इसलिए यूज़ कर रखा है कि इसका पूरा व्यू समझ सकें कि मार्केट में कौन सा व्यू बनना है और किस तरीके से मार्केट में कल कितना मोमेंटम रहने वाला है, कल का गैप अप होगा या गैप डाउन होगा वो आज के मोमेंटम के हिसाब से डिसाइड होगा। अभी बैंक निफ्टी देखोगे तो कैंडल में कुछ खास स्ट्रेंथ थी नहीं, लास्ट जो अपनी वेंसडे वाली कैंडल थी वो काफ़ी मारबूजू टाइप कैंडल थी, ठीक है, अच्छा खासा मोमेंटम था लास्ट वेंसडे, और आज के दिन भी बहुत अच्छा मोमेंटम रहा था। आज का पूरा दिन का मोमेंटम नोट करते हैं तो हमें पूरे 500 पॉइंट का मोमेंटम अपसाइड को देखने को मिला था, और उसके बाद मार्केट में एक सडनली डाउन आया था और मार्केट काफ़ी अच्छा क्लोजिंग करी। मार्केट ने क्लोजिंग किया 44,496 पर, लाइक 44,500, और 44,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। अब इसमें क्या कल के दिनों का, अभी मार्केट में कोई लॉन्ग करने का मोमेंटम नहीं है, मार्केट रिट्रेस कर रहा था। अभी आपको ये दिखेगा व्यू क्यों मार्केट में मोमेंटम नहीं है। अभी मार्केट देखो क्या होता है, एक चलो फिबोनाची की तरफ फोकस करते हैं, और फिबोनाची क्या बोलना चाह रहा है, टॉप से ड्रॉ करते हैं डाउन की तरफ, ये हमारा पूरे मंथ का व्यू है, ठीक है। अभी क्या मार्केट जो रिट्रेस कर रहा है, इसलिए इधर ले चलते हैं, अभी देख सकते हो मार्केट क्या है, पूरा फिबोनाची के अंदर ही चला था, ठीक है। फिर 0.5 का जो गोल्डन रेशियो था वहां से मार्केट रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, मार्केट यहां से ही गिरावट स्टार्ट हुई थी और अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली थी आपको, और वैसी जगह पर दोबारा मार्केट आया और एक रिट्रेसमेंट देखने को मिली जो कि है 500 पॉइंट की आज के दिन। कल के दिन मार्केट में एक गैप डाउन देखने को मिल सकता है, क्यों देखने को मिलेगा उसके पीछे का रीजन बता देता हूँ। गैप डाउन दिखने का रीजन है, सिंपल सी बात है कि मार्केट में लोगों को पैनिक बना रखा है, मार्केट में कोई अभी खास मोमेंटम बड़ा है नहीं, इसलिए मार्केट में एक पैनिक बना हुआ है कि मार्केट गिरेगा। मार्केट जब भी ऑल टाइम हाई की तरफ जाता है तो मार्केट में एक मोमेंटम दिखाते हैं कि शॉर्ट सेलिंग आ रही है, बट हमें लॉन्ग करना होता है जब मार्केट में दिखता है कि शॉर्ट सेलिंग आ रही है, हमें लॉन्ग का पोजीशन देखना होता है। कल की हमारी क्या तैयारी रहने वाली है बैंक निफ्टी के अंदर, हम प्रीवियस लो की तरफ एक फोकस करेंगे जो कि 44,500 का, ठीक है, 44,500 का गुड रेजिस्टेंस है। कल क्लोजिंग कर देता है गलती से 44,500 के नीचे, तो 44,500 क्लोज करता तो 44,400 का हमारा पहला फर्स्ट हमारा 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा, सेकंड हमारा 300 पॉइंट का टारगेट रहेगा। वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट था, मैंने आप लोगों को बताया था अपसाइड मोमेंटम कहाँ देखेंगे, वो अपसाइड मोमेंटम सिंपल ही रहने वाला है, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि हमारी बेसिक सी ट्रेंड लाइन है, डाउन टू अप अप्रोच है, देखिएगा ये हमारी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। हमें कहाँ इसमें बाइंग करनी है, हमें कल को बैंक निफ्टी को जो बुलिश मोमेंटम देखना है, वो बुलिश मोमेंटम हमारे रहने वाला है इस पॉइंट पे जो कि रहेगा 44,600, ठीक है। 44,600 के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल बुलिश मोमेंटम से क्लोज कर जाती है तो हम लॉन्ग कर देंगे, जो कि स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर हमारे फ्यूचर के अंदर 50 पॉइंट का रहेगा, ऑप्शन के अंदर 20 पॉइंट का रहने वाला है। और तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, और फिर दोबारा आपको 45,000 रुपये के लेवल देखने को मिल सकते हैं कल के दिन। गलती से 44,600 को अपसाइड क्लोज कर देता है,
तो एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा जो कि 45,000 के आसपास जा सकता है दोबारा, जो हमारा प्रीवियस था मल्टीपल टाइम टच हो चुका है। तो ये कभी भी मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक करना होता है तो मल्टीपल टच करके 4 या 3 times मार्केट लॉन्ग कर देता है अपसाइड की तरफ, तभी मार्केट को पैनिक करके दिखाया जाए कि मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, मार्केट जाना ऊपर ही है। कुछ दिनों बाद बैंक निफ्टी को लॉन्ग करेंगे 44,600 के ऊपर, शॉर्ट करेंगे 44,500 के नीचे। ये थे बैंक निफ्टी के लेवल, अब निफ्टी की तरफ भी चलते हैं। निफ्टी में खैर ज्यादा प्रेशर था बकायदा बैंक निफ्टी के, निफ्टी कुछ खास गया भी नहीं था और 150 पॉइंट का मोमेंटम अपसाइड दिखाया था। ये देखते हैं तो हाँ, ये 75 पॉइंट का बीच में 100 पॉइंट का गैप, मतलब ऑलमोस्ट 175 या 70 पॉइंट का गैप था, गैप अप दिखाया था। उसके बाद मार्केट में वहीं से सेलिंग चालू हो गई थी मार्केट में, ये देख सकते हो आप, ठीक है, टॉप से सेलिंग चालू हो गई थी जो था 19,585 का लेवल। ये लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग क्यों है उसको हम क्लियर करके बताऊंगा। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो आप हमारे टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर दें, वहाँ पर हम सेंसेक्स की एक्सपायरी स्पेशल कॉल डालते हैं और उसका पूरा व्यू डालते हैं, कल हमें कहाँ शॉर्ट करना है। कल हमारा सिंपल सा रहेगा, प्रीवियस लोगों कल के दिन ब्रेक करता है जो कि है 19,400 को बैंक निफ्टी क्लोज करता है डाउन साइड, तो 19,300 तक के लेवल देखने को कल के दिन आपको बहुत ही इजी तरीके से मिलेंगे। और तो मैं टेलीग्राम पर सारे को अपडेट कर दूंगा आपको। ये दो लेवल नोट कर लो, अपसाइड कहां पे हमें लॉन्ग करना है, लॉन्ग करना है निफ्टी को 19,473 के ऊपर लॉन्ग करना है, और शॉर्ट करना 19,400 के नीचे शॉर्ट कर देना बेफिक्र होकर, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, फ्यूचर के अंदर 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे और ऑप्शन के अंदर 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, और टारगेट हमारा 1:5 रहने वाला है कल के दिन। चलते हैं सेंसेक्स की तरफ भी, थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं सेंसेक्स में कल क्या ही रहने वाला है मार्केट में। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी आप सभी को पता होगा कि मार्केट में भी फ्राइडे की एक्सपायरी जो है सेंसेक्स की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। अभी देखोगे अभी भी ट्रेंड लाइन पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कल की हमारी शॉर्ट सेलिंग कहाँ रहेगी, प्रीवियस लो के नीचे, प्रीवियस लो कहाँ आएगा, या 65,100 के नीचे हमारा शॉर्ट करना है, ठीक है। सेंसेक्स को हम 65,100 के नीचे यहाँ पर ट्रैप करेगा, ये कन्फर्म है, 65,100 के नीचे ट्रैप करेगा, तो यहाँ लॉन्ग करने की सोचना, शॉर्ट मत करना, ये अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से रिट्रेसमेंट आएगी मार्केट में, तो ये चीज देखना आपने कि कल लॉन्ग कहाँ करना है। 65,100 के पास हमें ट्रैप करता है तो मार्केट में लॉन्ग कर देंगे यहाँ पे, और शॉर्ट कहाँ करेंगे, 65,150 को क्रॉस कर देता है तो लॉन्ग शॉर्ट कर देंगे, और टारगेट क्या लगाएंगे नीचे की तरफ, पॉइंट का मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे जब 65,100 को क्रॉस करेगा तो, ठीक है, 50 का पॉइंट हमें 200-300 पॉइंट का मूवमेंट नीचे तरफ देखेगा। अपसाइड लॉन्ग कहां करना है सेंसेक्स को, 65,530 के ऊपर क्रॉस करता है तो हमें लॉन्ग कर देंगे सेंसेक्स को, और टारगेट क्या लगाएंगे, 65,800, ठीक है, 65,800 का पहला टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट रहेगा 66,000 का। और तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं, आप लोगों को वीडियो में क्या चीज़ें मिसिंग हैं वो भी बताएं मुझे वीडियो में।